आज हम यहाँ पर एटॉमिक कोलिजन स्टडी करेंगे। एटॉमिक कोलिजन स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है। डायग्राम में ये बना हुआ है हाइड्रोजन एटम, ये आपका हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम, और ये न्यूट्रॉन एक सेकेंडरी पार्टिकल है जो इस हाइड्रोजन से हेड ऑन कोलिजन करेगा आके। ये जो डॉटेड लाइन है ये वो हमने पाथ दिखाया है जिसके अलॉन्ग ये नाइट्रोजन सॉरी न्यूट्रॉन पार्टिकल इसकी तरफ हाइड्रोजन की साइड में आ रहा है। तो सपोज कर लिया कि इसकी वेलोसिटी वी है और जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी इतना और एज्यूम कर रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसका मास और हाइड्रोजन का मास सेम है। तो न्यूट्रॉन का मास हाइड्रोजन का मास दोनों का सेम है। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो हाइड्रोजन एटम है जब कोलिजन इससे होगा तो इसमें किसी भी तरह से टेम्परेचर का इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में नहीं होता कभी भी। बिकॉज हियर वी कैन नॉट कंसिडर द डिफॉर्मेशन ऑफ एनी लैटिस इन द कोलाइडिंग बॉडी, तो इसमें हीट लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर ये इससे कोलाइड हुआ और किसी भी तरह से इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो इसको अगर मिल गई इस हाइड्रोजन एटम को, तो अब दो बातें हो सकती हैं। उस एनर्जी से ये एक्साइटेड भी हो सकता है, आगे मूव भी कर सकता है। एक्साइटेड हो जाएगा तो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा और मूव करेगा। अगर उसी एनर्जी से टोटल इसकी एनर्जी इसको मिल गई तो अगर सेम वेलोसिटी से मूव करने लगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। तो पहले हम इलास्टिक कोलिजन कंसिडर कर रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन, ये हमारा न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन कोलाइड हो गए। अब न्यूट्रॉन की वेलोसिटी वी थी और हाइड्रोजन रेस्ट में था, तो कोलिजन के बाद चूंकि इलास्टिक कोलिजन है, हाई नाइट्रोजन हमारा आ जाएगा, न्यूट्रॉन हमारा आ जाएगा रेस्ट में और हाइड्रोजन मूव करने लगेगा वी वेलोसिटी से। वी वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम की हो गई अब। ठीक है, अब चूंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली जो थी हमारे पास, वो हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ न्यूट्रॉन के पास ही थी, वो थी हाफ एम वी स्क्वायर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो अब हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ हाइड्रोजन के पास है और न्यूट्रॉन तो रेस्ट में है, तो अब इसकी भी एनर्जी इतनी ही हो गई चूंकि वो भी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इलास्टिक कोलिजन के बाद वेलोसिटी सेम हो गई थी तो हाफ एम वी स्क्वायर ये भी हो गई। अब एनर्जी लॉस तो है ही नहीं, जब एनर्जी लॉस है नहीं यहाँ पर तो ये हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जाएगा आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मूव करेगा बी वेलोसिटी से। अब एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो कोलिजन है हमारा ये परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन हो जाए। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं और यहाँ पर एनर्जी लॉस होता है। तो अब हम एज्यूम करने जा रहे हैं कि इसका कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है। ओके, थोड़ा सा ये डायग्राम ऊपर कर दें। अब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो परफेक्टली इलास्टिक सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जो अब हमको निकालना है कि इनमें एनर्जी लॉस कितना हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करेंगे। तो इनिशियल मोमेंटम जो हमारे पास न्यूट्रॉन का था वो कितना था, उसकी वेलोसिटी वी थी, उसका मास एम था, तो इनिशियल मोमेंटम जो न्यूट्रॉन का था वो हो गया एम वी। ओके, और हाइड्रोजन का इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, हाइड्रोजन का मास तो एम ही है लेकिन इसकी वेलोसिटी है जीरो, तो इसका ये हो गया एम इंटू जीरो इनिशियल लीनियर मोमेंटम। और दोनों चूंकि परफेक्ट इनलास्टिक कोलिजन है तो दोनों मास एक में ही हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो दोनों का मास हो जाएगा एम प्लस एम। और मान लो ये कंबाइंड वेलोसिटी इनको मिल गई वी वन। कहने का मतलब है इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और ये हो जाएगा एम वी इज इक्वल टू 2m इंटू वी वन। ओके, तो यहाँ से m और m कैंसिल हो रहा है, mm कैंसिल हो गया, तो ये जो वेलोसिटी हमको मिल गई वी वन, ये दोनों मासेस एक साथ मूव कर रहे हैं, ये हो जाएगी v अपॉन
टू, मतलब इनिशियल जो इनकी वेलोसिटी थी हमारे न्यूट्रॉन की, उसकी हाफ वेलोसिटी फाइनल हमको मिलेगी। दोनों मिलके एक हो गए हैं, दोनों का मास सेम हो चुका है। इस केस में एनर्जी लॉस कितना हुआ होगा? तो अगर हम एनर्जी लॉस निकालें, एनर्जी लॉस तो एनर्जी लॉस अगर निकालेंगे तो एनर्जी लॉस डेल्टा ई जो होगा वो हो जाएगा आपका इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ये हो जाएगा इनका एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस एक्चुअली हम यहाँ पर एनर्जी लॉस निकाल रहे हैं, इसलिए इनिशियल में फाइनल माइनस कर रहे हैं। अगर हम चेंज इन एनर्जी निकालते तो फाइनल में इनिशियल माइनस करते और तब तो हमको माइनस मिल जाता, लेकिन हम एनर्जी लॉस निकाल रहे इसलिए इनिशियल में फाइनल माइनस कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा इनिशियल एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रॉन के पास है और हाइड्रोजन के पास नहीं है, माइनस फाइनल एनर्जी हाफ एम, मास दोनों का मिलके एक हो चुका है 2m, और इनकी वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी इनकी हो गई है v अपॉन 2, तो कॉमन वेलोसिटी v अपॉन 2 से मूव कर रहे हैं, तो ये इनका एनर्जी फाइनल एनर्जी हो गई। और ये हमारा जो डिफरेंस आएगा, ये हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, 1 अपॉन 2 mv² माइनस ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो -1/4 mv² मीन्स ये मिला हमको 1/4 mv² ये एनर्जी लॉस हुआ। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 mv² और ये जो ½ mv² ये टर्म है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है या इनिशियल टोटल एनर्जी है न्यूट्रॉन की, तो ये हमारे पास हो जाएगा ½ Ei, मींस इनिशियल एनर्जी का हाफ हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कोलिजन हुआ है तो हाफ काइनेटिक एनर्जी, जितनी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी या उसकी जितनी टोटल एनर्जी थी, उसकी हाफ एनर्जी जो है उसका लॉस हो गया है। ठीक है, अब हाफ एनर्जी लॉस हुआ है तो इसका मतलब फिर क्या हुआ है? इस एनर्जी लॉस हो गया है तो अब कोलिजन जो है इसका, वो एनर्जी लॉस गया किधर होगा? तो एक सेकेंड मैं इसको समझा। अब ये जो एनर्जी लॉस हाफ ई आई का आया, ये एनर्जी लॉस हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर सकता है। ये जितनी एनर्जी यहाँ पे लॉस हुआ है, इस एनर्जी को हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर सकता है और इस एनर्जी को वो लेके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। सपोज करो कि हाइड्रोजन ने, ये एनर्जी लॉस इतना है कि वो मिनिमम अमाउंट जो है उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड एनर्जी स्टेट में अगर वो पहुंचता है हाइड्रोजन, तो उसके लिए एनर्जी की क्या ज़रूरत होती है? उसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वो एनर्जी है जिसको लेकर इलेक्ट्रॉन, सो हाइड्रोजन हमारा एक्साइटेड हो जाएगा फर्स्ट एनर्जी स्टेट टू सेकेंड एनर्जी स्टेट। ठीक है, और अगर फर्स्ट से वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन फर्स्ट से थर्ड में जाता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की। ये हम समझ सकते हैं कि अगर ये वाला जो, ये हमारा जो अमाउंट आया है, ये हमारा मिला है E2 - E1 करके, और ये हमको मिला है E3 - E1 करके। ये हमारा थर्ड एनर्जी स्टेट की एनर्जी E3 है और फर्स्ट एनर्जी स्टेट की एनर्जी E1 है, और यहाँ पर सेकेंड एनर्जी स्टेट की एनर्जी E2 है, और ये फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी स्टेट की एनर्जी जो है हमारे पास वो इतनी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अब एब्जॉर्ब कर सकता है, या तो वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, इतनी है अगर इसमें हाफ ई आई की वैल्यू अगर इतनी है या इससे ज़्यादा है तो वो इतनी अगर एब्जॉर्ब करता है, टोटल मान लो नहीं भी एब्जॉर्ब करता है, तो इससे वो क्या होगा कि वो सेकेंड एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो दोनों में ही रहेगी, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन में। तो
तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, जो हम जिसको परफेक्टली इनइलास्टिक बोल रहे थे, वो अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं रह जाएगा, वो कोलिजन अब पार्शियली इनइलास्टिक हो जाएगा। और अगर 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेता है तो थर्ड में पहुंच जाएगा। इस केस में भी हमारे पास पार्शियली इनइलास्टिक हो जाएगा कोलिजन, और उसका रीज़न बस यही है कि इसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस नहीं हो सकता। तो अब ये कोलिजन जो है, जिसको हम लोग बोल रहे थे परफेक्टली इनइलास्टिक, ऐसा ना हो के ये पार्शली इनइलास्टिक हो गया है। तो एक बात अब और क्लियर हो गई है कि यहाँ पर जो कोलिजन है वो कभी भी परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होगा, वो पार्शली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। ओके, एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। एग्जांपल में हम एक सेकेंड थोड़ा सा पेज को ऊपर कर दें, पहले पेज ऊपर करना है तो कर्सर बाहर ला रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, पेज ऊपर कर दें जरा, पेज ऊपर करना है यार। हो गया। अब एक काम कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन मान के चल रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कि न्यूट्रॉन के पास, हमारे पास जो न्यूट्रॉन है उसकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ये मान के चल रहे हैं कि हम न्यूट्रॉन, ये सपोज कर रहे हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और सपोज कर लिया कि कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो जो न्यूट्रॉन कोलाइड हुआ होगा उसकी सारी एनर्जी हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसको मिल जाएगा, तो उस केस में वो एक्साइटेड नहीं होगा, चूंकि उसकी सारी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही मिलेगी उसको, हाइड्रोजन को, तो वो अब एक्साइटेड नहीं होगा और वो मूव करेगा, तो इलास्टिक कोलिजन में नहीं वो एक्साइटेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, देन एनर्जी लॉस कितना होगा? एनर्जी लॉस जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा, ये मैक्सिमम होगा एनर्जी लॉस, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में ही मैक्सिमम होता है, हाफ ई आई, दोनों के हमने मान लिए हैं कि मासेस सेम है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी ओनली, तो ये हो जाएगा हाफ, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा हमारे पास 12.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी लॉस हुआ। अब ये जो एनर्जी लॉस है, ये जो हमारे पास E2 - E1 की वैल्यू है वो होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो E3 - E1 की वैल्यू है वो है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये E2 - E1 है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एनर्जी लेवल एंड फर्स्ट एनर्जी लेवल, और ये है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन थर्ड एनर्जी लेवल एंड फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये दोनों हैं। अब हाइड्रोजन के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो, चूंकि ये वाली एनर्जी जो E2 - E1 है और ये दोनों ही लेस हैं इससे 12.25 से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो या तो इतनी एब्जॉर्ब कर ले और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, सेकेंड एनर्जी लेवल में चला जाए, और या तो वो इतनी एब्जॉर्ब कर ले 12.09 और वो पहुंच जाए थर्ड एनर्जी स्टेट में, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि सपोज कर रहे हैं कि पहले वो पहुंच रहा है शुरू में सेकेंड एनर्जी स्टेट में, तो अगर सेकेंड एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा तो इतनी एनर्जी
वो लेगा हमारा हाइड्रोजन एटम ये एनर्जी, इतना अमाउंट जो है एनर्जी का वो तो ले ही लेगा क्योंकि सेकेंड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा वो हाइड्रोजन एटम। फिर क्या होगा, अब ये होगा कि जो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी जो न्यूट्रॉन के पास थी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसमें ये माइनस करनी पड़ेगी हमको, ये वाली एनर्जी जो है ये माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा कि अब हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन जो सिस्टम है उसके पास रिमेनिंग एनर्जी कितनी रह गई। तो हमने क्या किया कि पहले इसका माइनस करके निकाल लिया जाए कि कितना एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, तो 24.5 माइनस 10.2 इज इक्वल टू हमको मिलेगा 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी डिफरेंस आया, अब उसने एब्जॉर्ब किया है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है, सेकेंड एनर्जी स्टेट में पहुंच चुका है। और हमारे पास ये जो टोटल एनर्जी थी 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें ये माइनस करने पे ये डिफरेंस आया है, तो जो रिमेनिंग एनर्जी दोनों के पास है अब वो सिर्फ बची 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे में हम निकालने की कोशिश करेंगे कि अब इनकी वेलोसिटीज़ क्या है, हमारे पास न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन की अब वेलोसिटीज़ क्या हैं, तो निकालने जा रहे हैं, थोड़ा स्क्रीन ऊपर करनी है। इसके लिए भी हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक इक्वेशन बना रहे हैं कि हमारे पास न्यूट्रॉन की जो एनर्जी थी, न्यूट्रॉन का जो मोमेंटम था लीनियर मोमेंटम वो है एम वी इनिशियल, और हाइड्रोजन का तो जीरो था चूंकि वो रेस्ट में है, इज इक्वल टू मान लो फाइनल वेलोसिटीज दोनों की डिफरेंट हो चुकी हैं, तो वी वन और ये इसका मास सेम है एम वी टू, डिफरेंट इस वजह से माना कि कोलिजन परफेक्ट इनइलास्टिक नहीं रह गया क्योंकि उसने तो एब्जॉर्व कर लिया है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है नहीं इसलिए हमने डिफरेंट मान लिया। तो यहाँ से अब अगर हम मास कैंसिल कर दें, तो कैंसिल कर दे रहे हैं एम कॉमन करके कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास मिल गया वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, ये एक इक्वेशन बन गया, इसको मान लिया, सपोज किया कि ये इक्वेशन वन हो गया। और बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करें, तो जो एनर्जी थी टोटल इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर, वो एनर्जी डिवाइड हुई है इतने पार्ट्स में, एक पार्ट तो एक्साइटेड स्टेट में लिया है इसने हाइड्रोजन ने, दूसरा न्यूट्रॉन जो बचा कोलिजन के बाद न्यूट्रॉन, वो उसकी वेलोसिटी वी वन है, तो हाफ वी वन स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास है 24.5। हमने कितना एज्यूम किया था इनिशियली, इनिशियली हमने 24.5 ही एज्यूम किया था, तो हम लिखने जा रहे हैं 24.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 24.5 और ये हमारे पास हो जाएगा 10, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते रहे, यहाँ पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, ये हमने लिखा। अब इस अमाउंट को इसको लेफ्ट में लाएंगे और माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 14.14 पॉइंट इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 14.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारे पास हो जाएगा हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर, हाफ एम वी टू स्क्वायर। अब हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर हम कह दें टू, हाफ इसको इक्वेशन नंबर टू कह दें,
तो अब अगर हम इस इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करें तो हमको इनको सॉल्व करने से मिल जाएगा वी वन और वी टू क्या होंगे, ये हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इनकी वेलोसिटीज़ फाइनली कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन की कितनी हो जाएगी और हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी। इसी तरह से हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि अगर मान लो कि वो थर्ड एनर्जी स्टेट में चला जाए हमारा हाइड्रोजन, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अगर सॉरी सेकेंड एनर्जी स्टेट में से सॉरी थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एनर्जी स्टेट में चला गया अगर हमारा हाइड्रोजन, तो उसके लिए ज़रूरी होगी कि वो एनर्जी 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो रिक्वायर्ड है उसका सेकेंड के बाद थर्ड वाले में पहुंचने के लिए जो एनर्जी अमाउंट रिक्वायर्ड है वो कितना होता है हमारा, वो अभी हमने लिखा था थोड़ी देर पहले 12.09, वो 12.09 होता है। तो इतनी अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट 12.09 वोल्ट इलेक्ट्रॉन 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर वो एब्जॉर्ब कर ले हाइड्रोजन तो वो थर्ड एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो अब कितने बचेगी उसके पास एनर्जी, दोनों के पास इनका डिफरेंस बचेगा, तो इनका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 12.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे दे रहे, तो 12.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी बची। फिर यहाँ पर पहले की तरह हम कर सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, मतलब कहने का ये है एनर्जी कंजर्वेशन 12.0, सॉरी इनिशियल एनर्जी लिखनी है हमको, गलती हो गई, एक काम कर रहे हैं इसको रफ कर रहे हैं, फिर से लिख रहे हैं, हमारे पास 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनिशियल एनर्जी थी न्यूट्रॉन के पास, ये हो जाएगा 12.41, ये एनर्जी बची हमारे पास, ये बची, ये क्वेश्चन दरअसल गलत बन रहा है, ये एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं पहले, ये रफ कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो एनर्जी 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो ये जो 24.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी थी इसमें से उसने 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एब्जॉर्ब किया है, प्लस हाफ एम वी वन न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर हमारी इसकी हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा हमको हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं 12.41। एक इक्वेशन ये हमारे पास बन गई, ये एक सेकेंड चेक कर लेते हैं ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, नहीं ये जो है ये करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट है, इसमें डिफरेंस करेंगे तो यही आएगा। तो अब एक काम कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया इक्वेशन नंबर वन, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इक्वेशन बना लेंगे, वो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा, पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम था न्यूट्रॉन का ये, और अब हमारे पास इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा एम वी वन प्लस एम वी टू, ये हाइड्रोजन का हो जाएगा, एम कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू वी, इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो वी वन और वी टू हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि एटॉमिक कोलिजन क्या होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करके आप लोगों को देंगे, तो वो जब आप करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। ओके, अब आज इतना ही रखते हैं।